नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS गुड फार्म से। दोस्तों बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जी क्या वाइटम एच बकरे को पिला सकते हैं? हाँ भाई पिला सकते हैं, लेकिन बकरे दो टाइप के होते हैं। पहले इस चीज़ को बड़े ही बारीकी से समझना पड़ेगा आपको, जैसे कि खस्सी बकरा और अंडू बकरा, यानी कि एक होता है ब्रीडर और एक होता है खस्सी जिसका बधियाकरण हुआ रहता है वो। अब दोनों को पिलाने के अलग अलग फ़ायदे हैं। पहले बात करते हैं हम लोग जो खस्सी बकरे हैं यानी जिसका बधियाकरण किया गया है उसको। जैसे कि ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये वाइटम एच, और वाइटम एच बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लगभग सभी कंपनियों का, मैं 3-4 कंपनियों का इस्तेमाल किया हूं, सबका रिजल्ट जो है कि बढ़िया है और मैंने अपने कई वीडियोज़ में इसका रिजल्ट आपको दिखाया भी था। तो लेकिन सवाल यही फंसता है कि क्या बकरे को पिला सकते हैं? तो भाई पिला सकते हैं, और जैसे कि देखिए हमारी सारी बकरियाँ अभी दोपहर के टाइम है, लगभग चारा सबने खा लिया है, खा करके सब बाड़े के अंदर घूम रही हैं, और इनको समय समय से जो हमारी गाभिन बकरियां हैं उनको दिया जाता है, जो कि बेसिकली ये प्रेग्नेंट गोट के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके फायदे जो है कि बकरे के अंदर भी है, तो आज हम जानेंगे उस चीज़ को। जैसे कि अंडूल बकरा और खस्सी बकरा, तो बात करते हैं पहले खस्सी पर। खस्सी बकरा को अगर जैसे जो उसके मसल्स हैं, उसके मसल्स जो है कि बहुत ही मजबूत होते हैं, और खस्सी बकरे का वजन बढ़ता है, और खस्सी बकरे का शाइनिंग यानी शरीर का चमक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। और जब खस्सी बकरे के शरीर पर चमक शाइनिंग रहेगा उसका रेट भी अच्छा मिलता है। और अब बात करते हैं अंडू बकरे पर। एक भाई ने कहा था कि ब्रीडर को कैसे बनाएं या ब्रीडर को कैसे एग्रेसिव रखें, तो भैया ये ब्रीडर को आपको बहुत अच्छा बनाएगा और ब्रीडर को बहुत ही एग्रेसिव रखेगा, और जो उसका वीर्य है जिसको यानी सेक्स जो पावर जो क्षमता होता है उसको ये बढ़ाता है। तो वाइटम एच का प्रयोग आप अपने बकरी के साथ साथ अपने बकरों में भी कर सकते हैं, ये उनके शुक्राणु को जो है कि ब्रीडर के शुक्राणु को बढ़ाता है, और जैसे उसके जितने मसल्स हैं उसके मसल्स को भी बढ़ाता है। लेकिन ये मसल्स बढ़ाने के साथ साथ उसका वज़न भी बढ़ाता है, और ब्रीडर का वज़न हमेशा एक लिमिट एक कंट्रोल में रखा जाता है, क्योंकि उसको ब्रीडिंग करना होता है तो वो जो है कि ब्रीडिंग सही तरीके से कर सके, उसका ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाना है। तो उसको आप हफ्ते में 1-2 दिन दे सकते हैं, कंटिन्यू नहीं। और जैसे कि आपका अंडूल बकरा है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका चमक नहीं बढ़ रहा है, तो उसको आप रोज़ पिला सकते हैं। अब बात करते हैं डोज का। देखिए बकरे को 2-3 ml जब रोज़ देना है तो 2-3 ml जो आपका खस्सी बकरा है उसको दे सकते हैं, और जो आपका अंडूल बकरा है उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन देना है आपको तो 3-4 ml आप दे सकते हैं। इस तरीका से आप अपने बकरे का अच्छा ग्रोथ चमक शाइनिंग और एग्रेसिवपन और वज़न बढ़ा सकते हैं। दोस्तों छोटा सा जानकारी था कि बकरे को वाइटम एच पिला सकते हैं और इसके पिलाने के फायदे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।